17 फरवरी को पत्नी ने ही अपनी पुत्री व एक लड़के के साथ मिलकर अपने पति नारद मुनि शाहनी की हत्या की थी, जिनमें से पिपराइज पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को ग्राम चकिया से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सरफुद्दीन अंसारी उर्फ लालू पुत्र सलाउद्दीन अंसारी निवासी बांसपार बजौली टोला बिलहिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज, दूसरी वादनी की पुत्री रेनू उर्फ मधु पुत्री मृतक नारद मुनि शाहनी निवासी बैलो सवहिया टोला थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर, तीसरी वादनी संगीता देवी पत्नी मृतक नारद मुनि शाहनी निवासी बैलो सवहिया टोला थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 3 मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 17 फरवरी को ग्राम चकिया थाना पिपराइज क्षेत्र में मिले शव के संबंध में मृतक की पत्नी संगीता देवी निवासी बैलो सवहिया चोला थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर ने थाना पिपराइज में मुकदमा पंजीकृत करवाया था तथा घटना में जांच से स्वयं वादनी मुकदमा मृतक की पत्नी का हाथ पाया गया, तब वादनी मुकदमा संगीता देवी पत्नी मृतक नारद मुनि शाहनी निवासी बैलो सवहिया चोला थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर अपनी पुत्री रेनू उर्फ मधु पुत्री मृतक नारद मुनि शाहनी निवासी बैलो सवहिया चोला थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर व लड़की के साथी सरफुद्दीन अंसारी उर्फ लालू पुत्र सलाउद्दीन अंसारी निवासी बांसपार बजौली टोला बिलहिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के साथ मिलकर अपने पति मृतक नारद मुनि शाहनी निवासी बैलो सवहिया चोला थाना पिपराइज जनपद गोरखपुर की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया था, जिसको देखते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में पिपराइज थाना प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा, उपनिरीक्षक प्रशिक्षु अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शिव प्रकाश सिंह, दुर्ग विजय कांस्टेबल सिद्धार्थ पंकज, अमन सिंह संजीव सिंह, महिला कांस्टेबल आराधना मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, लेटा हुआ था वो कुछ उसके दिमाग में गलत था, उन्होंने बोला था ये गलत बात है, सीने पर चढ़ के चला गया थे पूरी पत्नी के बाद, फिर उसको जब वहाँ ले गए हैं तो वहाँ भी ईंटों से पहचान मिला। दिनांक 17/2 को प्रातःकाल एक अज्ञात शव बरामद किया गया था थाना पिपराइज क्षेत्र में, उसकी पहचान कराई गई, उसके बाद पहचान के उपरांत उनके परिजनों ने 4 लोगों को नामजद करते हुए एक तहरीर दी थी। पुलिस ने जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया, सीडीआर और सर्विलांस का सहारा लेते हुए विश्लेषण किया तो ये पाया गया उसमें कि उक्त प्रकरण में जो परिवार के सदस्य थे उनकी मृतक की पत्नी और बेटी द्वारा एक महाराजगंज में उनके ही मिलने वाले परिचित व्यक्ति को बुलाकर और उसकी हत्या कराई गई है। कुल 4 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें 2 महाराजगंज के हैं, एक सरफुद्दीन और एक नौशेर खां। इसमें सरफुद्दीन और 2 जो परिवार के व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और नौशेर खां की तलाश अभी जारी है, उसको शीघ्र ही गिरफ्तार करके भेजा जाएगा। जो हत्या का कारण जो बताया जा रहा है, जो गिरफ्तार किए गए परिजनों द्वारा बताया गया कि जो पिता था वो अपने घर के लड़कियों पे गलत निगाह रखता था, उसका चाल चलन ठीक नहीं था और परेशान भी इन लोग बहुत करता था, शराबी था, तो इस वजह से परेशान होकर के इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया।